Hi. Tell me, how was your journey of this TV industry? It's been a very, very long and fulfilling journey. Actually, I wouldn't इतना struggle नहीं किया मैंने यहाँ पे. Model थी, Miss India थी, और किसी ने मुझे ramp पे spot कर लिया. That is Sandeep Sikka. Spotted me, I think somewhere in some ad assignment or some TV ramp show देख लिया, कुछ से spot हो गई. और विरुद्ध से अपना काम शुरू किया स्मृति मैम के साथ, जो हमारी ऑनरेबल HRD मिनिस्टर है. और वहाँ से शुरुआत की. फिर उसके बाद एकता मैम के साथ काफ़ी शोज़ किए, DJs के साथ काफ़ी शोज़ किए. एक के बाद एक काम बहुत आसानी से मिलता गया. आई थिंक पीपल को मेरा प्रोफेशनलिज्म और मेरा एफेबल फ्रेंडली नेचर बहुत पसंद आया, मोर देन टैलेंट आई थिंक. और या इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. और हमेशा से सोचती थी कि मुझे मेरा ड्यू कब मिलेगा, इतने सारे एक्टर्स को अपना ड्यू मिलता है, मुझे मेरा ड्यू कब मिलेगा. और अब ये मोहब्बतें के बाद ऐसा लगता है कि आई थिंक अब वो मेरा वक्त थोड़ा सा शुरू हो गया. सो यू थिंक मीका का कैरेक्टर मीका के लिए टर्निंग पॉइंट था? एब्सोल्युटली. आई थिंक इतने सालों से जो मैं सोचती थी कि मुझे मेरा ड्यू कब मिलेगा, आई थिंक भगवान यही चाहते थे कि तुझे तेरा ड्यू मिलेगा, वो भी इन योर ओन नेम. सो बहुत अच्छा लगता है जब मैं रोड पे चलती हूँ, लोग मेरा नाम पुकारते हैं, कैरेक्टर का नहीं. एंड आई वुड से कि अभी मीका एकदम मीका जैसी हो गई है, दोनों वेज, रियल और रियल में इट्स ऑलमोस्ट द सेम. टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन इतना करो ना मुझे. इतना करो ना मुझे प्यार इज बेसिकली जो ब्रीफ मुझे दिया गया है, इट्स लाइक रानी मुखर्जी जो कुछ कुछ होता है, अपने ज़माने की बॉम थी, प्यार करती थी नचिकेत से, पर नचिकेत कमिटमेंट नहीं चाहता. तो शी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिकल आई थिंक, और वो चली गई. फिर जब वापस आती है तो प्रेगनेंट आती है और अपना बच्चा उसको सौंप के मर जाती है. और आई थिंक वो पॉइंट जब मैं उसे अपना बच्चा दे रही हूँ, उस पॉइंट पे शायद उनकी जो करंट वाइफ है रागिनी आर्य, शो की प्रोटैगनिस्ट, वो मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और उसे लगता है कि इट्स माई लव चाइल्ड विथ नचिकेत, बट ऐसा नहीं है. एंड या दैट्स द स्टोरी. Well, you have done a cameo role in Ajit Dasa, right? So, this will be also your cameo. Yeah, actually, kya hai na, Balaji is home for me. Aur jab mujhe bola gaya tha ki aapko Ajit Dasa mein, it was just ek ya do din ka kaam. I can't say no, kyunki main kahungi Balaji mera maika hai, to maa ko nani bol sakti. So, even in this show, mujhe bola gaya tha ki ek 4-5 days ka cameo hai, 3 episodes. सो आई वॉज मोर देन हैप्पी. और एक ब्रेक मिलता है एक्चुअली आपकी रोज़ की रूटीन कैरेक्टर से, एक रिफ्रेश फीलिंग होती है बाहर आके, मतलब दूसरे शो में काम करना, गेटिंग टू वेयर गुड क्लोथ्स, डिफरेंट हेयर एंड मेकअप, सो इट फील्स गुड. मीका, एनी क्रेजी फैन एनकाउंटर? या आई डिड एक्चुअली. आई वेंट टू दिल्ली अभी रिसेंटली टू विजिट माई मदर्स साइड ऑफ द फैमिली, और वहाँ पर मैं एक लड़की से मिली, एक बहुत ही ब्यूटिफुल हाई प्रोफाइल शॉप में, जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग, टेलीविजन देखने वाली ऑडियंस ऐसी दुकानों में आएगी. और वहाँ पे मुझे वो एक लड़की मिली, शी सेड कि उसकी बहन ने अपनी बेटी का नाम मीका रखा है. और आई वुडंट कॉल दैट क्रेजी, बट एकदम हार्ट वार्मिंग अच्छी फीलिंग आई, वार्म फीलिंग. आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ आई कुडंट बिलीव इट कि कोई इतना इफेक्ट हो सकता है. शी सेड मुझे नाम बहुत पसंद आया पहली बार, और दूसरी बार मुझे तुम्हारा बोल्ड कैरेक्टर और यू नो फ्रेंडली नेचर और फुल ऑफ लाइफ बहुत पसंद आया. तो आई थिंक वो बहुत एक स्वीट बात थी. और क्रेजी एनकाउंटर हमारे सेट पे ही हुआ था. एक फैमिली आई थी दिल्ली से, और वो जो वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ, मैं कभी नहीं भूल सकती, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का लड़की, शी केम टू मी एंड शी टच्ड मी लाइक दिस. आई कांट बिलीव आई टच्ड मी. और उस वक्त इतनी हंसी आ रही थी, बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि लोग इतना आपको पसंद करते हैं. डू यू एंजॉय योर सेलिब्रिटी स्टेटस? ऑफकोर्स आई डू. और इट मेक्स मी फील मोर एंड मोर हम्बल, मोर एंड मोर थैंकफुल. इट्स जस्ट, इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं. आई मीन, आप स्पेशली आज विद ये मोहब्बतें, बॉम्बे में लोग, मुंबई में लोग कितनी जगह पे आपसे आके बात करते हैं. बीच में सिद्धिविनायक गई थी तो एक लेडी आई थी, जो उसे चिल्लाते हुए मीका मीका, और इट फेल्ट सो गुड. आई मीन, ऐसा लगता है कि आप इसी चीज़ के लिए तो काम करते हो. ऑफकोर्स आई एंजॉय इट. All time favorite character on television has to be my own self, Mihika. All time favorite. इसी character का आई थी मुझे बहुत time से इंतज़ार था. और पूरी जो 4 साल television में थी इससे पहले negative roles ही कर रही थी. तो मैं कहती थी, मैं सोचती थी भगवान मैं कब shift हो जाऊँगी to positive. और अब जो लोग को बोलते हैं I played negative roles, उनको याद ही नहीं रहता. So yeah, Mihika is my most favorite character. Well, all time favorite movie.
all-time favorite movie will have to be in Hindi, of course, it's Andaaz Apna Apna, and in English, it's Life is Beautiful. Okay. Any dream role or any challenging character you would like to do? My dream role would be to play my brother Mishkat's sister. My brother Mishkat is also an actor. So, unki behan ka role play karna, I think, would be a dream role for me, to be working with my brother. Challenging, any challenging role? You know, I used to always feel that I can't do lead role. Nahi kar sakti, but in full humility, I say that I feel that I can get a lead role. And I have a feeling that I'll get that in Balaji only, maybe in a few years. So I think that would be something, playing a main lead would be something, would be a challenge. You know, being TV soap actor, you have like really busy life. So how do you cope up with that busy schedule? Yes, television mein kaam karna is a very taxing, very difficult experience. Logo lagta hai ki bahut aasan hai ye sab, bahut mushkil hota hai. दिन होते हैं जब आपको स्माइल करने का मन नहीं करता और आपको हैप्पी सीन करना है. दिन होते हैं जब इतने अच्छे मूड में और आपको रोने का सीन करना है. बहुत चैलेंजिंग है. कोपिंग इज, आई थिंक इट्स टू डू विद कमिटमेंट. अगर आप एक बार मन बना लो कि बस आई हैव टू कमिट टू इट, तो भले ही वो स्टडीज हो या एक मैरिज को निभाना हो या एक रोल को करना हो, यू कैन डू इट. यू आर सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस. Fitness, I think 14 ki age, 15 ki age mein I started working out. I give credit to my father for this, kyunki dad hamesha se workout ko bahut vishwas karte hai, to unhone bachpan se hi mujhe dance, swimming, aur mere ghar ke 30 seconds away Juhu beach hai, to wahan pe bachpan se daudti aa rahi hu, chalti aa rahi hu, to I think kuch bhi khati hu, abhi kab se, abhi 13-14 saal ho gaye I've been working out. It doesn't touch me. Mihika as a sister. Mihika as a sister is a budhuram. She allows Mishka to bully her. She loves him. Mishka ko kuch bhi chahiye, he knows, he has to just tell me once. Aur main kar do. Budhu sister. Okay, Jati, that's a message for your fans. I just want to say to all the viewers of Tele Tadka, thank you so much for loving me and accepting me as Mihika in Yeh Mohabbatein. आप लोगों का प्यार, आपका सपोर्ट, उसी वजह से मैं शायद यहाँ आज हूँ. और मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद जो भी कुछ करूँ, यू विल ऑलवेज सपोर्ट. थैंक यू सो मच.